नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश टैक्स मंत्रा बजट स्पेशल। मोदी सरकार का अंतरिम बजट 1 फरवरी 2024 को पेश होने वाला है। आम लोगों को उम्मीद है कि इस बार के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कुछ खास ऐलान कर सकती हैं। न्यू टैक्स रेजीम में भी कुछ बदलाव होने का अनुमान बताया जा रहा है और लोग उम्मीद भी कर रहे हैं कि इसको लेकर कुछ अनाउंसमेंट होनी चाहिए। तो इस बार बजट में क्या ऐलान हो सकते हैं, इस पर हम लेकर आए हैं 3 एपिसोड की ये खास सीरीज आपके लिए, टैक्स मंत्रा बजट स्पेशल, जिसमें हम बजट के पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार बजट में टैक्स से जुड़ी घोषणाएं क्या हो सकती हैं और हर बार की तरह वित्त मंत्री से आम आदमी क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, उनकी क्या मांग है, ये भी बात हम इस शो के ज़रिए वित्त मंत्री तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं और इस शो में आज हमारा फोकस रहेगा कि सैलरी क्लास, स्टार्टअप और महिलाओं की क्या मांग है इस बार के बजट से। और चलिए शो की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ आज इस खास पेशकश में जुड़ चुके हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट और वो सीए भी हैं, सुनील गर्ग। सुनील जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो ये जो चर्चा हो रही है अब, क्योंकि बजट भी नज़दीक आ चुका है, तरह तरह की बात अब होना शुरू हो चुकी है कि क्या अनुमान है और आम आदमी की तो नज़र इसी पर रहती है, तो ये टैक्स से जुड़ी क्या घोषणाएँ हो सकती हैं। तो चलिए एक बेसिक क्वेश्चन से पहले शुरुआत करेंगे, क्योंकि ये बजट जो है इसको अंतरिम बजट कहा जा रहा है जो 1 फरवरी 2024 को अनाउंस होगा। इसके पीछे क्या वजह है, ये अंतरिम बजट होता क्या है, ये थोड़ा हमारे दर्शकों को आप समझाइए एक इंफॉर्मेशन के तौर पर, सो दैट उन्हें भी इस बात की नॉलेज हो सके कि इस बजट से क्या कुछ एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। देखिए पूजा जी, अंतरिम बजट का मतलब ये होता है क्योंकि सरकार को इस बार चुनाव में जाना है और बजट 1 फरवरी को पेश किया जाता है हर साल, तो सरकार अपना लेखा जोखा पेश करती है अगले साल के खर्चे और इनकम का। अब क्योंकि बीच में चुनाव है तो सरकार एक साल का लेखा जोखा तो पेश नहीं कर सकती, चुनाव के बाद कौन सी सरकार आती है तो उसका प्रेरोगेटिव होता है कि वो अपना बनाए। तो इसलिए जब भी इलेक्शन होता है तो 2 बजट आते हैं, आपने देखा होगा, एक 1 फरवरी को आएगा, 1 जुलाई के महीने में आएगा। अब चूंकि सरकार को कैपिटल अकाउंट से पैसा निकालना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड से पैसा निकालना है, तो अगले 3 महीने के लिए वोट ऑन अकाउंट, इसको हम कहते हैं अंतरिम बजट, कि अगले 3 महीने का जो सरकार का खर्चा है वो कहाँ से निकालेंगे, तो 1 फरवरी को 3 महीने का बजट हम पेश करते हैं, तो इसलिए उसको अंतरिम बजट भी कहा जाता है। और पूर्ण बजट आएगा जुलाई में, जब चुनाव के बाद नई सरकार बन जाएगी, नई लोकसभा का गठन हो जाएगा, तो इसलिए इसका नाम अंतरिम बजट है। लेकिन वैसे तो वोट ऑन अकाउंट है अंतरिम में, पर सरकार को चुनाव में जाना है, अपने वोटरों का ध्यान रखना है, तो इसमें पॉलिसी डिसीजंस की भी बहुत ज्यादा उम्मीदें की जा रही हैं इस बार। और माननीय वित्त मंत्री जी के लिए अच्छी जो खबर है वो ये है कि 10 जनवरी का जो डाटा आया है डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का, वो 14,70,000 करोड़ की डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हो चुकी है, जो कि पिछले साल से लगभग 20% ज्यादा है। यानी वित्त मंत्री जी के पास में एक रूम अवेलेबल है मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए, महिलाओं को राहत देने के लिए, स्टार्टअप को राहत देने के लिए और विशेषकर सेलेड एम्प्लॉय को राहत देने के लिए एक रूम उनके पास आ गया है। तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि कहीं ना कहीं अपने वोटरों के लिए और इस क्लास ऑफ टैक्स पेयर्स को लुभाने के लिए सरकार कोई घोषणा कर सकती है। बिल्कुल, तो ऐसा नहीं है कि कुछ अनाउंसमेंट होना ही नहीं है, लेकिन क्योंकि अंतरिम बजट है, लोकसभा चुनाव के जस्ट पहले ये बजट आ रहा है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 6ठा बजट पेश करने जा रही हैं, तो ये अगले 3 महीनों के लिए संसद से मंजूरी लेती है कि किस तरीके के वो खर्च कर रही हैं, क्या प्लानिंग है उनकी। और ऐसा नहीं कि कुछ अनाउंसमेंट होना ही नहीं, क्योंकि ये चुनावी साल भी है तो कुछ ना कुछ तो हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, लेकिन ये 3 महीने की जो खर्चों की अनुमति है वो संसद से मिलेगी, इस वजह से इसको वोट ऑन अकाउंट बजट कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। चलिए अब इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर चर्चा करते हैं। सुनील जी, बजट से वेतन भोगी क्या इस बार राहत की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि सैलरीड एम्प्लॉयज को तो हर बार उम्मीद होती है कि जब टैक्स से जुड़ी कुछ घोषणा टीवी पर आने लगती है, वित्त मंत्री जी बोलने लगती है, तो सबके कान खड़े हो जाते हैं कि क्या अनाउंसमेंट हो रहा है। तो इस बार कुछ एक्सपेक्ट करें हम इस बार के बजट से? बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं पूजा जी, और आपको ध्यान होगा जब हमने पिछले साल प्री बजट किया था तो हमने वित्त मंत्री से गुहार की थी इसी शो के माध्यम से कि सैलरीड एम्प्लॉयज को स्टैंडर्ड डिडक्शन नए टैक्स रिजीम में आप दे दीजिए,
क्योंकि उनको बहुत जरूरत है इस बात की और हमारी बात को सरकार ने मान लिया था। दूसरा एक परिवर्तन किया था, और आपको पता होगा कि सरकार ने इस साल से, यानी बजट जो 24-25 का जो असेसमेंट दे रहा 23-24 फाइनेंशियल ईयर से, नए टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट रिजीम कर दिया है। यानी अब जो हम 31 मार्च के बाद रिटर्न फाइल करेंगे उसमें नया रिजीम तो होगा डिफॉल्ट, और आपको अगर चुनना है पुराना चुनना पड़ेगा आपको। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। और सरकार ने पिछले बजट में घोषणा और की थी बड़ी चतुराई के साथ में, आपको पता होगा, ये कहा था कि 7 लाख रुपए तक की इनकम को हम एग्जेम्प्ट कर रहे हैं नए टैक्स रिजीम में। यानी हमने कहा था कि साहब जो एटीसी की 1.5 लाख की छूट है और 50,000 की एनपीएस की छूट है 2 लाख, तो उसको या तो बहाल कर दीजिए आप सैलरीड एम्प्लॉय के लिए, या सरकार ने उसको घुमाकर ऐसा कर दिया कि बहाल तो नहीं किया एटीसी को, लेकिन एक काम किया कि 2 लाख रुपए की इनकम का स्लैब बढ़ा दिया और वो 87A में रिबेट दे दी 12,500 से और 25,000 उसको रिबेट को कर दिया था। लेकिन उसमें दिक्कत ये आ गई है, जो अभी भी नई स्कीम को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, नई रिजीम को लोग नहीं जा रहे हैं, कम जा रहे हैं, उसका कारण ये हाउसिंग लोन की छूट इसमें नहीं मिल रही है, HRA की छूट नहीं मिल रही है। और आपको पता होगा सैलरीड एम्प्लॉयज में पूजा या तो उनको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है जो कि सैलरी का बहुत बड़ा पार्ट होता है, बड़ा कंपोनेंट होता है, या ज्यादातर लोगों ने अपना एक फ्लैट 2 रूम 2 रूम 3 रूम फ्लैट ले रखा है, उस पर हाउसिंग लोन ले रखा है, उसकी इंस्टॉलमेंट उसका इंटरेस्ट वो डिडक्शन के रूप में क्लेम किया करते थे। पर बड़े मजे की बात है कि नई रिजीम में दोनों में से कोई छूट उसको नहीं मिलने जा रही है। मुझे ऐसा लगता है वेतनभोगी कर्मचारियों को एक रिलीफ देने के लिए इस पर कोई परिवर्तन सरकार ला सकती है, या तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पर 2 लाख की छूट को बहाल कर दे नई रिजीम में, या HRA में कोई ऐसी छूट दे दे ताकि जो सैलरीड एम्प्लॉई है उनको एक रिलीफ, एक राहत महसूस हो सके। बिल्कुल, नई टैक्स रेजीम में, और हमने काफी बार चर्चा भी की सुनील जी, मुझे याद है कि न्यू टैक्स रेजीम को अब सरकार ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने की कोशिश करेगी, इस वजह से वो डिफॉल्ट कैटेगरी में आ चुका है। अगर आपने कुछ चुनाव नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट आप न्यू टैक्स रेजीम का पार्ट बन चुके होंगे। ये काफ़ी लोगों ने पिछली बार ये अनुभव भी किया कि वो सिलेक्ट नहीं कर पाए, न्यू टैक्स रेजीम का पार्ट बन गया और अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि उनकी टैक्स प्लानिंग किस तरीके से करें, क्योंकि उनमें काफ़ी लोगों ने लोन लेके रखा है, HRA भी लेके रखा है, काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट्स भी करके रखे हैं, लेकिन क्योंकि चुनाव वो सही समय पर नहीं कर पाए इस वजह से वो न्यू टैक्स रेजीम का पार्ट हो चुके थे। लेकिन अब उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की तो यही कोशिश है कि न्यू टैक्स रेजीम को में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, तो उसको आकर्षक बनाने की कोशिश भी सरकार की रहेगी। और HRA बहुत इम्पॉर्टेंट एक कैटेगरी होगी जिसको लेकर के घोषणा होनी चाहिए और न्यू टैक्स रेजीम में इसके बारे में चर्चा भी होनी चाहिए। चलिए उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल यहाँ पर बदलाव हो। लेकिन अब स्लैब, सुनील जी, बजट में क्या इनकम टैक्स स्लैब को लेकर कुछ बदलाव होने की संभावना है इस बार? मुझे लगता है कि सरकार और विशेषकर वित्त मंत्री जी शायद इस बारे में जरूर सोच रही होंगी, क्योंकि पिछले 1-2 सालों में जो महंगाई की दर है वो इन्फ्लेशन 5-6% रहा है और स्लैब 2.5 लाख ही है बहुत सालों से। पिछली बार नई रिजीम में उसको 3 लाख किया गया था और बहुत बड़ी मांग ये मध्यम वर्ग की है। और मैंने बताया ना, क्योंकि इलेक्शन करीब है और मध्यम वर्ग कहता है कि कम से कम 5 लाख रुपए तक की रिबेट या स्लैब बढ़ा दिया जाए ताकि एक राहत महसूस हो मध्यम वर्ग को। सरकार ने काम तो किया था कि 87A में वो छूट दे रही थी 12,500 रुपए की, लेकिन उसका इफेक्ट ये आता है पूजा कि जैसे ही आप 5 लाख से क्रॉस करते हैं आपकी टैक्सेबल इनकम, आपको पूरा टैक्स देना पड़ जाता है। यानी 5 लाख रुपए है तो आपको कोई टैक्स नहीं है, लेकिन जैसे ही 5,10,000 भी होता है आपको तो आपका टैक्स 14,000 बन जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी एनोमली है। तो हमें सरकार से बार बार हमने आग्रह किया था कि इसको इन्फ्लेशन के साथ में, जैसे आप कैपिटल गेन में इन्फ्लेशन का इफेक्ट देते हैं, तो स्लैब में भी इन्फ्लेशन को जोड़कर मध्यम वर्ग को राहत दी जाए और उसको 5 लाख की लिमिट कर दिया जाए ताकि वो अच्छा हो जाए, ठीक हो जाए, सहूलियत हो जाए। तो ये कुछ बदलाव हो सकते हैं अगर स्लैब की बात करें तो। सुनील जी, एक सवाल होगा, ये सेक्शन 87A क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को कि क्या हो सकता है। और अभी हम इनकम टैक्स स्लैब की बात कर रहे थे, ये टैक्सेशन इनकम के स्लैब में भी क्या कुछ बदलाव होने की उम्मीद है इस बार? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने पूजा। मुझे ऐसा लगता है, देखिए 87A में क्या किया था सरकार ने, ये कहा था कि 5 लाख रुपए की इनकम, अगर पुराने स्लैब में आप 5 लाख की इनकम, पूरे 5 लाख, 5 लाख 1,000 नहीं,
तो आपका टैक्स बनता है 12,500 रुपये, और धारा 87A में उस 12,500 रुपये को छूट कर दिया। यानी अगर आपकी इनकम पूरे 5 लाख है, 4,99,000 रुपये है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप 5 लाख क्रॉस करेंगे, 5,10,000 भी आपका हो गया, तो 12,500 प्लस 2,000 रुपये, 14,500 रुपये पूरा टैक्स देना पड़ेगा। यानी 10,000 रुपये की इनकम बढ़ी और टैक्स आपका 14,500 रुपये बढ़ गया। ये 87A की रिबेट थी। ऐसे ही सरकार ने नए रिजीम में क्या कहा था कि उस 87A की रिबेट को 25,000 कर दिया था, यानी 7 लाख रुपए की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। कारण यह है कि नए रिजीम में 3 लाख रुपए तक का स्लैब है, 3 लाख से 6 लाख तक 5,000 रुपये 5% है, और 6 लाख से 9 लाख तक 10% है। यानी 7 लाख पूरी जब इनकम होती है तो आपको टैक्स जो बनता है वो 25,000 रुपये बनता है। वही बात है, जैसे आप 25 लाख रुपए 7 लाख क्रॉस करेंगे, आपको पूरा टैक्स देना पड़ता था। सरकार ने एक मार्जिन रिलीफ दिया था कि भाई मान लीजिए आपकी 7,25,000 रुपये इनकम है, तो आपको पूरा टैक्स ज्यादा बन रहा है, तो केवल 25,000 रुपये टैक्स दे दीजिए, उसको मार्जिन रिलीफ कहते हैं। पर जैसे मैंने बताया कि सरकार शायद इस बारे में सोच रही है कि हम 87A की रिलीफ को बढ़ा दें, अगर हम एचआरए को मेंटेन नहीं कर, एचआरए को वापिस नहीं दे रहे हैं, हाउसिंग लोन की डिडक्शन को वापिस नहीं दे रहे हैं, तो ये भी सरकार कर सकती है कि एचआरए की रिलीफ को बढ़ाकर 25,000 को बढ़ा के 50,000 कर दिया जाए 87A की नई रिजीम में। पुराने रिजीम में नहीं करेगी सरकार। तो 87A को जैसे 25,000 से बढ़ाकर आप 50,000 करेंगे, तो 9 लाख रुपए तक की मोटा मोटा इनकम आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो और 2 लाख का एक हाउसिंग लोन का ब्याज या एचआरए आपको बाई डिफॉल्ट मिल जाएगा बेनिफिट, ऐसा मुझे लगता है कि सरकार शायद सोच रही है। तो सेक्शन 87A में रिबेट को लेकर कुछ घोषणा हो सकती है, और अभी तक जो नए टैक्स रेजीम में 25,000 तक की छूट मिल रही थी, इसे बढ़ाकर 50,000, या फिर इसमें कुछ बदलाव हो सकता है नए टैक्स रेजीम की अगर बात की जाए तो हाँ, ये सरकार कर सकती है, क्लियरली दिखाई भी दे रहा है। अब आगे कुछ और भी सेक्शंस की बात करते हैं, और सुनील जी, हम हाल फिलहाल में देख भी रहे हैं कि इस बीच इंश्योरेंस कंपनियों ने अपने प्रीमियम जो पेमेंट है उसमें भी बढ़त की है, और कोविड के बाद इस तरह की केसेस ज़्यादा देखने को मिले, जब इंश्योरेंस कंपनियों ने मेडिकल प्रीमियम की जो दरें हैं वो बढ़ा दी हैं। और ATD में हम देख रहे हैं कि काफ़ी समय से वो नियम में कुछ बदलाव हुए नहीं है, तो क्या इस बार एक्सपेक्ट करें, क्योंकि सरकार काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है कि इंश्योरेंस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे सके, ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस पेनिट्रेशन हो सके देश में, तो ऐसे में ATD को लेकर क्या कुछ घोषणा संभव है? बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है कि शायद ये सही समय है कि ATD की लिमिट को अब बढ़ा दिया जाए। 25,000 रुपये में एक फैमिली की मेडिकल इंश्योरेंस लेना बड़ा मुश्किल काम है। और जहां सरकार, और देखिए आप इलेक्शन में देखते हैं चुनाव, अगर जो स्टेट इलेक्शन में हुए थे तो ये हेल्थ फॉर ऑल ये बहुत बड़ा मुद्दा था, सबको इंश्योरेंस देना, सबको हेल्थ देना बहुत बड़ा मुद्दा था। अब मिडिल क्लास उसमें पिस जाता है, क्योंकि उसको जो आरोग्य कार्ड वो मिलता नहीं है, वो लोअर लोअर इनकम ग्रुप को है, तो मिडिल क्लास फैमिलीज के पास एक ही चारा होता है कि वो मेडिकल इंश्योरेंस करवाएं, हेल्थ मेडिकल इंश्योरेंस करवाएं। अभी जो नियम है वो क्या कहता है कि 25,000 रुपये, अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो 25,000 रुपये, सीनियर सिटीजन है तो 50,000 रुपये। हाँ, सीनियर सिटीजन को फायदा दे दिया था कि अगर आपकी इंश्योरेंस नहीं है, मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस जिन उन लोगों के लिए जिनके पेरेंट्स उनके साथ रहते हैं, तो अगर आप मेडिकल पे खर्चा भी कर रहे हैं तो 50,000 की आपको छूट और मिल जाएगी। लेकिन एक तो नई रिजीम में आपको ATD की छूट नहीं मिलती है, और दूसरा 25,000 रुपये की छूट है अगर आप ओल्ड रिजीम में भी रहते हैं। मुझे लगता है कि ATD की लिमिट 50,000 रुपये कम से कम फॉर ऑल कर दी जाए, चाहे सीनियर सिटीजन है और चाहे नॉन सीनियर सिटीजन है। और मुझे लगता है कि शायद ये सही समय है सरकार के पास में इस रिलीफ को देने का। ATD से जुड़े कुछ अनाउंसमेंट होनी चाहिए, क्योंकि वाकई 25,000, 50,000 अब काफ़ी छोटा अमाउंट है अगर आप पूरे फैमिली के लिए प्लानिंग कर रहे तो। हालांकि इंश्योरेंस को हम दर्शकों को यही सलाह देंगे कि इंश्योरेंस को एज अ टैक्स प्लानिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह ना देखें, ये परिवार की ज़रूरत होती है, सभी के पास इंश्योरेंस होना चाहिए, प्रॉपर कवरेज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सरकार को भी ज़रूरत है कि अगर वो कोशिश कर रही है कि इंश्योरेंस पर ज़्यादा ज़्यादा फोकस करने की, इंश्योरेंस सेक्टर को ज़्यादा ज़्यादा बढ़ावा देने की, कि कवरेज काफ़ी लोगों की हो पाए, तो यहाँ पर ATD में भी बदलाव होना चाहिए। तो ये गुजारिश है इस शो के माध्यम से कि वित्त मंत्री इसके बारे में भी कुछ सोचें। तो चलिए, ये तो बात हुई मेडिकल प्रीमियम से जुड़ी, लेकिन अब लौटते हैं मार्केट पर, मार्केट पार्टिसिपेंट्स पर। वो भी काफ़ी सारी उम्मीदें लगा के बैठे होते हैं टैक्स इस बार जो बजट है उससे। और सुनील जी, हमने तो देखा कि
कि पिछले साल 2023 इनफैक्ट मार्केट में शानदार तेजी देखने को मिली, एक के बाद एक रिकॉर्ड लेवल्स हमने देखे मार्केट में तेजी से, तो फायदा भी लोगों को यहाँ पर काफी ज्यादा हुआ होगा। तो ऐसे में कैपिटल गेन टैक्स को लेकर भी कुछ एक्सपेक्टेशन हो रही है इस बार के बजट से कि वहां पर भी कुछ अनाउंसमेंट होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है, क्या कैपिटल गेन टैक्स में कुछ बदलाव की उम्मीद की जा सकती है इस बार? देखिए पूजा, आपने एक नाजुक नस को छुआ है सरकार की, और सरकार कई सालों से इस बारे में सोच रही है कि हम कैपिटल गेन के नियमों को सरल कर दें। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नियम है कैपिटल गेन को लेकर, और आम आदमी नहीं समझ पाता है। पिछली बार भी एक बदलाव किया था कि डेट म्यूचुअल फंड्स को 3 साल के लिए कर दिया था। आज नियम यह है कि अगर आप इक्विटी मार्केट में काम कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड जो इक्विटी ओरिएंटेड है, या तो इक्विटी शेयर या म्यूचुअल फंड, तो आपको पता होगा कि 1 लाख रुपए तक टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाता है। कि हर साल आप 1 लाख रुपए पे का अगर कैपिटल गेन है तो आपको वो छूट मिल जाएगी, और उसके बाद 10% का टैक्स है। और जिस हिसाब से ये बढ़ा है, कैपिटल मार्केट बढ़ रही है, लोगों के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस कैपिटल गेन की लिमिट को 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख करने की जरूरत है। कैपिटल गेन लिमिट को बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि वाकई लोग ज़्यादा से ज़्यादा, अब हम देख रहे हैं कि इस बीच जो आंकड़े आ रहे हैं, रिटेल पार्टिसिपेशन एक बड़े तौर पर सामने निकल कर आया है। हो सकता है कि टैक्स को लेकर अभी उनको आइडिया ना हो, लेकिन जब कैपिटल गेन पर उनको टैक्स मिलेगा तो ऑब्वियसली उनकी भी नज़र जाएगी कि इतना सारा टैक्स कहाँ पर चला गया, फिर वो शायद इस नियम को भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरह से रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ा है, इसमें भी यहाँ पर कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। तो 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया जाए, फिलहाल तो ये उम्मीद की जा रही है। अब देखना होगा कि वित्त मंत्री जी इसमें क्या कुछ अनाउंसमेंट करेंगी। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि स्टार्टअप्स और महिलाओं की इस बार के बजट से क्या उम्मीदें हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक में आपका स्वागत है। और चलिए, ब्रेक से पहले हमने बात की कि एक सैलरीड एम्प्लॉय की क्या मांग है इस बार के बजट से, मेडिकल इंश्योरेंस को लेकर चर्चा की, साथ ही साथ कैपिटल गेन टैक्स को भी लेकर कुछ घोषणाएं हो सकती हैं इस बार के बजट में। अब बात करते हैं स्टार्टअप्स की, और देश में स्टार्टअप इंडस्ट्रीज में भी हम देख रहे हैं कि एक तेज़ी से बढ़त देखने को मिल रही है, और हमारी सरकार का भी फोकस रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें एनकरेज करना, इन्हें प्रोत्साहन देना कि वो ठीक तरीके से कामकाज कर सके, और टैक्स के अगर फ्रंट पर भी देखेंगे तो उन्हें काफ़ी कुछ राहत देने की कोशिश भी की जा रही है। तो सुनील जी, ये जो देश में अब स्टार्टअप्स हैं वो क्या उम्मीद करें इस बार के बजट से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि नीतियां तो काफ़ी सारी बनी हैं स्टार्टअप को बूस्ट करने के लिए, लेकिन टैक्स के फ्रंट पर क्या इस बार यंग जनरेशन कुछ एक्सपेक्ट करे? बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं वित्त मंत्री जी से स्टार्टअप को लेकर, क्योंकि स्टार्टअप न केवल रोजगार दे रहे हैं इस देश को, जीडीपी में योगदान दे रहे हैं, और हमारे पास में जो यूनिकॉर्न है उनकी संख्या 125 से ज्यादा हो गई है, और तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम डेवलप हो गया है। और आपको पता होगा स्टार्टअप इंडिया को शुरू हुए अभी 10 साल भी नहीं हुए हैं, इतनी ग्रोथ हुई है। उसका कारण है कि सरकार ने इसको दोनों हाथों से दिल खोल कर टैक्स पे छूट भी दी, बाकी सहूलियत भी दी स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से। और पिछले साल भी हमने वित्त मंत्री से कहा था अपने बजट से पहले प्री बजट में कि जो 3 साल का टैक्स हॉलीडे मिलता है स्टार्टअप को धारा 80IAC में, उसका सनसेट क्लोज 31 मार्च 2023 था, तो उसको बढ़ा दिया जाए, और शायद मैडम वित्त मंत्री ने हमारी बात सुनी और उसको 1 साल के लिए बढ़ा दिया था 31 मार्च 2024, तो 31 मार्च 2024 का फिर सनसेट क्लोज है, वो एग्जम्पशन खत्म हो रही है 3 साल का टैक्स हॉलीडे। हम चाहते हैं कि वित्त मंत्री जी को आग्रह करते हैं कि इस लिमिट को, इस ATIAC को बढ़ाया जाए, और कम से कम 2 साल का टाइम इसमें और दिया जाए। जब 10 साल पूरे हो जाएंगे स्टार्टअप इंडिया को 2015 से 2025, तब तक इसको हम बढ़ा दें, एक का बात तो ये। और दूसरी बात, स्टार्टअप ये कहते हैं कि ATIAC में हमें टैक्स हॉलीडे तो मिलता है, लेकिन हमें मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स यानी मैट देना पड़ता है 15% की दर से, तो कैश आउटफ्लो हो जाता है, और स्टार्टअप को शुरू में इतना प्रॉफिट हो रहा होता है, और वो चाहते हैं कि जो हम प्रॉफिट कमा रहे हैं उसको री इन्वेस्ट करें स्टार्टअप में, उसको आगे बढ़ाएं ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, वेल्थ क्रिएशन हो। तो हम ये आग्रह करते हैं वित्त मंत्री जी से कि आप इसको मैट की धारा को घटा के, मैट की दर को 15% से घटाकर 9%, जो कि आप गिफ्ट सिटी में लेते हैं,
उसी 9% को 9% पे ले आए। और तीसरा, आपको पता होगा पूजा, बहुत सारे स्टार्टअप अपने जो टैलेंटेड एम्प्लॉइज हैं उनको ईसोप देते हैं, तो हमने मांग की थी कि ईसोप का जो टैक्सेशन है उसका स्ट्रक्चर को बदलाया जाए, क्योंकि जैसे आपको ईसोप मिलता था आपको उसकी प्रकृत वैल्यू पर टैक्स देना पड़ता था। तो सरकार ने हमारी आधी बात तो मान ली थी और ये कह दिया था कि अगर आप एक एलिजिबल स्टार्टअप है ATISE वाले, यानी जिनको 3 साल का टैक्स हॉलीडे मिला हुआ है, उनके केस में टैक्स तो 4 साल के लिए डेफर कर दिया था। हम ये उम्मीद कर रहे हैं शायद इस बार ईसोप को लेकर सरकार एक घोषणा कर सकती है कि ईसोप में जो भी स्टार्टअप है, चाहे वो ATISE में रजिस्टर्ड यानी 3 साल के टैक्स हॉलीडे वाले हैं या नॉर्मल जो स्टार्टअप है, सबको ईसोप के टैक्सेशन से एक छूट दे दी जाए। और मुझे लगता है कि उसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि जब उसको ईसोप मिलते हैं तो उसको वर्चुअली कोई बेनिफिट नहीं है एम्प्लॉई को, और आप उससे टैक्स ले रहे हैं तो उसको एट पार ले आइए, 4 साल का जो टैक्स डेफरमेंट आपने दे रखा है उसको आप बेनिफिट को दे दीजिए। ऐसा मुझे लगता है कि सरकार ऐसा इस बार कर सकती है। राइट, काफ़ी सारे रिकमेंडेशन, सुझाव, बिल्कुल सुनील जी मुझे याद है पिछले साल भी जब हमने आपसे बात की थी काफ़ी सारे सुझाव हुए थे, डिस्कस हुए थे और वो सारे अनाउंसमेंट बजट में भी सुनने को मिले थे, आपको ध्यान है? जी राइट, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और ये तो बात हुई स्टार्टअप्स की, लेकिन और हमारे जो फाइनेंशियल प्लानिंग की, अगर टैक्स प्लानिंग की बात करें तो उसमें काफ़ी अहम भूमिका है अब महिलाओं की भी हो चुकी है, हर फील्ड में अब वो धीरे धीरे करके आगे आ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, तो उनके लिए भी कुछ अनाउंसमेंट होनी चाहिए, वो अनाउंसमेंट एक्सपेक्ट भी कर रही हैं। तो सुनील जी, इस बार महिलाएं वित्त मंत्री जी से क्या मांग कर सकती हैं? देखिए, महिला वित्त मंत्री हैं तो महिलाओं का विशेष स्नेह उनकी तरफ रहता ही है और वो उम्मीद भी करती हैं कि वित्त मंत्री जी हमको एक कोई विशेष उपहार दें या विशेष स्कीम दें। और ऐसा नहीं है, पिछली बार भी हमने कहा था तो वित्त मंत्री जी एक स्कीम लेके आई थी महिला निधि सम्मान योजना के नाम से पोस्ट ऑफिस में, पर उसमें सरकार ने दिया लेकिन हाथों को मुट्ठी को बांध लिया, पूरा नहीं दिया। कहा था कि अगर आप 2 लाख रुपए की एक डिपॉजिट लेते हैं बैंक में पोस्ट ऑफिस में और उसकी टाइम लिमिट की थी 2 साल के लिए और टैक्स का ब्याज का दर दिया 7.5%, यानी एक महिला पोस्ट ऑफिस में जाकर 2 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट करवा सकती है 7.5% के ब्याज पर। आपको पता होगा कि आजकल नॉर्मल जो FDI का रेट है वो 5-6% होता है और सेविंग में 4% का ब्याज आपको मिलता है, तो एक बेनिफिट दिया था कि 7.5% तक आप करवा लीजिए, पर उसमें अमाउंट एक तो कम है, 2 लाख रुपए है और टाइम पीरियड भी केवल 2 साल है। जैसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में सरकार ने 15 लाख कर दिया हर साल की, 15 लाख आप जमा करवा दिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, तो एक ये मांग महिलाओं की तरफ से है, बहुत लोग कह रहे हैं इस बात को कि वित्त मंत्री जी हमारी सुनिए और महिलाओं की अगर निधि बनानी है, कॉर्पस उनको देना है, किस्ती दर उनको देना है, तो इस लिमिट को थोड़ा बढ़ाइए, इसको कम से कम 5 लाख और 5 साल के लिए कर दीजिए, एक बात तो ये। दूसरा, सुकन्या समृद्धि योजना सरकार की बड़ी ड्रीम योजना है और मेरे भी बड़े दिल के करीब रहती है, हमेशा मैं कहता हूँ कि सुकन्या समृद्धि योजना पे आप हमेशा इन्वेस्ट कीजिए और सरकार ने उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बड़ा अच्छा कर दिया, 8.2% का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं और जो लोग पुराने टैक्स रिजीम में रहना चाहते हैं उनके लिए ATC का बेनिफिट उसमें है, तो 8.2% का ब्याज सरकार ने उसमें दिया है। और मैं कहता हूं सरकार से कि सुकन्या समृद्धि योजना को बढ़ाने की जरूरत है, इसको और ऐसा लुक्रेटिव बनाया जाइए, एक तो इसमें जो बच्चों की लिमिट है, एज की लिमिट है, आप उसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, 10 साल की लिमिट है उसको थोड़ा बढ़ा दीजिए, क्योंकि अब बच्चों की शादियों की डेट भी एज भी बढ़ गई है, तो एक काम तो ये हो सकता है। और तीसरा, जो हमारे बार कहते हैं जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, बड़ी अच्छी सरकार की स्कीम है, उसमें जो आप टैक्स जो इंटरेस्ट दे रहे हैं उसको आपने टैक्सेबल कर रखा है। और एक महिलाओं की हमेशा से मांग रहती है, अगर सरकार सुन ले, एक धारा है ATTTB जिसमें सीनियर सिटीजन को 50,000 रुपए की, अगर आपको सेविंग इंटरेस्ट पे ब्याज है, FDR का ब्याज है, तो 50,000 रुपए की छूट मिलती है। तो महिलाएं कहती है कि भाई हम बहुत सेविंग्स करते हैं और हम भविष्य के लिए बचाते हैं, तो महिलाओं को भी उस धारा में ATTT में शामिल किया जाए और उनको भी 50,000 रुपए की जो छूट मिलती है सीनियर सिटीजन को, वो सरकार अगर मांग ले तो उससे एक तो सेविंग्स बढ़ेंगी और महिलाओं को एक उपहार होगा। बिल्कुल, तो ये है महिलाओं की मांग इस बार वित्त मंत्री से। चलिए, फिलहाल समय की थोड़ी कमी है तो हमें इस चर्चा को यहीं रोकना होगा, लेकिन
ये चर्चा जो है बजट पर वो आगे भी जारी रहेगी। जैसे जैसे बजट की तारीख करीब आएगी हमारा फोकस और बढ़ेगा, और भी सारे डेवलपमेंट्स होते हुए नजर आएंगे तो उस पर हम फोकस करेंगे यहाँ से लेकर अभी तक बजट पर। और सुनील गर्ग हमारे साथ जुड़े रहेंगे। सुनील जी, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी ईटी नाउ प्रदेश पर जारी रहेगा। नमस्कार।